अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी रेसिपी है आलू और गोभी की। अब और इसमें जाएंगे, इसको भी जाएंगे प्याज और जाएगी ग्रीन चिली और पाउडर मसालों में जाएगा पाउडर मसालों में से जाएगा खुशी धनिया, नमक और मिर्ची और साथ में जाएंगे टमाटर और साथ में जाएगी ग्रीन चिली और अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। ये इसलिए जाना डालना ज़रूरी होता है क्योंकि इसके गोभी के सालन में बादीपन उसका ख़त्म हो जाता है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और साथ में जाएगी ग्रीन चिली और ग्रीन चिली। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और अब हमने सबसे पहले ऑयल डाल दिया है, 2 चम्मच ऑयल के डाल के ऊपर इसको अच्छी तरीके से गर्म होने देना है। जी ये बबल होना स्टार्ट हो गए हैं, इसका मतलब है कि हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके लिए डालेंगे प्याज और प्याज को अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन करेंगे। जैसे ही हमारे प्याज अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे प्याज ब्राउन हो गया है और अब हम इसके अंदर डाल देंगे ग्रीन चिली।
ये आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुज चुका है और छोड़ दिया है, और टमाटर भी नरम हो चुके हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर, ये देख सकते हैं ऑयल पर आ गया, मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुज चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे सब्जी, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर, अब हम साथ में ही डाल देंगे पाउडर मसाले, रेड चिली, नमक, गरम मसाला। हम इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। जैसे ही टमाटर नरम होने शुरू हो घी छोड़ दें, इसका मतलब है हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुज चुका है। ये आप देख सकते हैं कि हमने अब सब्जी डाल दी है, अब हम इसकी थोड़ी सी बनाई करेंगे। तो अब हम इसकी अच्छी तरीके से बनाई करेंगे, देख सकते हैं। अब इनको अच्छे तरीके से मसाले के अंदर मिक्स करके अब हम इसके दम लगा देंगे, जिस तरह हम चावलों का दम लगाते हैं इस तरह हम इसका दम लगाएंगे, फिर ये दम के अंदर ही अच्छी तरीके से पक जाएगी। जी अब देख सकते हैं हमारा सालन अच्छी तरीके से पक चुका है, ये गोभी भी गल चुकी है अच्छी तरीके से, और आलू भी, ये देखें दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से पक चुकी हैं। देन हम आखिर में डाल देंगे सब्ज धनिया, जिससे हमारे सालन की लुक अच्छी आएगी। देख सकते हैं हमारा सालन बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं, और ये देखें धनिया हम इसलिए डाला है ताकि इससे हमारे सालन में अच्छी स्मेल आएगी, और हमारा सालन बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है, आप देख सकते हैं। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और अब आप देख सकते हैं आँच हल्की कर दी है और इसका दम लगा दिया है। अब 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे, हमारा सालन अच्छे तरीके से दम के अंदर ही अच्छे तरीके से पक जाएगा। देन भी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक।